मैं आपकी टीचर दीदी आरती शर्मा आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये देखिए मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1857 में सर्वप्रथम कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें मांसपेशियों में इन्हें देखा। कॉलिकर जो वैज्ञानिक थे सन कितने में 1857 में किस में देखा, सबसे पहले इन्हें मांसपेशियों में देखा। इनकी खोज 1886 में फ्लेमिंग तथा ऑल्टमैन ने की थी। मतलब 1886 में दो साइंटिस्ट और आए, फ्लेमिंग और ऑल्टमैन, इन्होंने इनकी खोज की। तथा 1894 में इनका इन्होंने वर्णन किया, ठीक है, और बायोप्लास्ट नाम दिया। जो फ्लेमिंग और ऑल्टमैन नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, खोज की और इनका क्या किया, वर्णन किया, और इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, बायोप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1857 में बेंडा ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। फिर लास्ट में हमारे कौन आए, बेंडा नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने कितने 1857 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया इसका। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्ट्रक्चर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया छड़ के आकार के गोल या कभी कभी सूत्री भी होते हैं। मतलब उनका आकार कैसा होता है, गोल भी होते हैं, कभी कभी सूत्री मतलब अंडाकार भी ऐसे भी होते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस कोशिकाओं में मिलता है, किस सेल में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेल्स हमारी दो हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में ये नहीं मिलता है और यूकैरियोटिक सेल में ये मिलता है, यानी प्रेजेंट होता है। इनका व्यास 3 से 5 μ होता है। इनका जो व्यास होता है जो वो कितना होता है, 3 से 5 μ। और सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 40 μ तक हो सकती है। जो हमारा सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया उसकी उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो कितनी तक हो सकती है, 40 μ तक हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। मतलब जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सेल ऑर्गेनेल्स होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कितनी झिल्लियों से, यानी मेम्ब्रेन कितनी होती है, टू मतलब डबल मेम्ब्रेन वाला ये होता है। बाहरी झिल्ली यानी आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। स्मूथ या चिकनी होती है। कैसी होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। तथा अंदर की कला, कला मतलब मेम्ब्रेन, अंदर मतलब इनर, या इन आंतरिक झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन उंगलियों के समान सम्मिलित होती है। मतलब जो अंदर की झिल्ली होती है वो कैसी होती है, हमारी उंगलियों ऐसी होती है। इन बलों को क्रिस्टी कहते हैं। जो उंगलियों जैसी संरचना दिखाई देती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। दोनों झिल्लियों के बीच की जगह को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान